हेलो, फैक्टराइजेशन में हम लोग आइडेंटिटीज कर रहे हैं और आज जो दो आइडेंटिटीज हम लोग करेंगे वो है ये दो। फर्स्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो यहां पे ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में प्लस साइन है, यहां ए प्लस बी है। इस ब्रैकेट में ए और बी के बीच में साइन वही है जो यहां पर है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी सिंस यहां पे माइनस साइन है, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेंजेस कहां पर है, अगर प्लस का साइन है तो यहां प्लस होगा ए प्लस बी, और यहां पे ए बी का साइन माइनस है, इस ये प्लस है तो ये माइनस है। सिमिलरली यहां माइनस है तो यहां ए माइनस बी, लेकिन अगर यहां माइनस है तो ए बी का साइन प्लस है। तो ये चीज याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दीज टू आइडेंटिटीज, ए क्यूब प्लस 27। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां पे बीच में प्लस है तो ए क्यूब तो हमें दिख रहा है, बट यहां पे क्यूब नहीं है, दिस इज 27। बट 27 इज अ परफेक्ट क्यूब, 27 किसका क्यूब है, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, 3 क्यूब इज 27। सो वी कैन राइट ए क्यूब प्लस 27 की जगह पर हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3 क्यूब। नाउ इसको हम उस फॉर्मूला से, पहले वाले फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, ए क्यूब प्लस 3 क्यूब इज ए प्लस 3, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 3 ए एंड प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में है तो ए प्लस बी की जगह पे ए प्लस 3, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, तो ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 3 स्क्वायर, ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए, और ये जो 3 स्क्वायर है इसको हम लोग 9 लिख देंगे। तो दिस इज इट, ये फैक्टराइज हो गया। दोनों ही ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 मींस फर्दर इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस 0.216, एक्स क्यूब। ना ये जो 0.216 है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 216 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 2, 1 एंड 6। तो नीचे 1 पे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएगा। एक्स क्यूब माइनस, नाउ 216, 216 किसी का क्यूब है, यस 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, और नीचे जो 1000 है इट इज अ क्यूब ऑफ 10। एक्स क्यूब माइनस 6³/10³, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6/10 होल क्यूब। तो अब
आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां पे ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब है, और बी क्यूब की जगह पे, बी की जगह पे क्या है, 6/10 पूरा ये ब्रैकेट, और उसका पावर 3 है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 6/10, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले क्या आता है, ए माइनस बी, एक्स माइनस 6/10, देन एक्स स्क्वायर प्लस, सिंस यहां पे माइनस है तो जहां पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए और बी, वहां पे प्लस आता है, तो प्लस एक्स इंटू 6/10 एंड प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। नाउ एक्स माइनस 6/10, सिंस हमारा जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वहां पे ये 216 डेसिमल में था, तो हम सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस 6/10, 6/10 इज 0.6, 6/10 को हम 0.6 लिख सकते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 6/10, 6/10 इज 0.6, 0.6 इंटू एक्स 0.6x, और यहां पे 6/10 का स्क्वायर That is 0.6 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर लें कि 6/10 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 6 के ऊपर भी आएगा और 10 के ऊपर भी, तो 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 36/100, और तब उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, x माइनस 0.6 एक्स स्क्वायर प्लस 0.6x एंड प्लस 0.36, दिस इज आर आंसर, ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर, हमने आंसर जो है वो डेसिमल में रखा है, 0.6, 0.6 एंड 0.36, बिकॉज हमें जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था उसका एक टर्म डेसिमल में है, 0.216। हम फ्रैक्शन में आंसर को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0.87 × 0.87 × 0.87 प्लस 0.13 × 0.13 × 0.13, और डिनोमिनेटर में 0.87 × 0.87 माइनस 0.87 × 0.13 प्लस 0.13 × 0.13। तो न्यूमरेटर जो है यहां पे 0.87 तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.87 का क्यूब, सिमिलरली 0.13 का क्यूब है ये, 0.13 का क्यूब अपॉन, दिस इज 0.87 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 0.87 माइनस 0.87 × 0.13 एंड लास्ट 0.13 का होल स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर। नाउ ये जो न्यूमरेटर है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा दिख रहा है। सो इसको अगर हम उस आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड करें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 × 0.13 एंड प्लस 0.13 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने इस तरीके से लिखा यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 0.87 का स्क्वायर माइनस
वन थ्री का। अब ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो यहां कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सिंस ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, सेम चीजें हैं तो वन आएगा। तो हमारा बचेगा क्या, जब ये दोनों मिलकर वन बन गया तो बचा सिर्फ ये इंटू इसका जो आंसर है वन। तो दिस ब्रैकेट इंटू वन इज, ये ब्रैकेट ही बचेगा, इट इज 0.87 प्लस 0.13। और अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा, 1.00 विच इज 1। तो हमारा आंसर क्या है, 1। जो इतना बड़ा सा दिख रहा था इसका आंसर कितना सिंपल है, 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस एक्स इंटू वाई रेस टू द पावर 6। हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो यहां पे दोनों टर्म में एक्स प्रेजेंट है, यहां पे एक्स का पावर 7 है और यहां एक्स का पावर 1 है, तो छोटा वाला एक्स का पावर कॉमन आ जाएगा। अगर मैं छोटा वाला एक्स का पावर 1 कॉमन ले लूं तो यहां पे एक्स का कितना पावर बचेगा, 7 में से एक पावर बाहर चला गया तो 7-1 6 बचा, और सेकेंड टर्म यहां पे क्या बचेगा, एक्स वाई रेस टू द पावर 6 में से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो वाई रेस टू द पावर 6 बचेगा। नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस वाई रेस टू द पावर 6, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3, एंड सिमिलरली वाई को भी हम वाई स्क्वायर रेस टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, माइनस ए बी, तो ए और बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स फर्स्ट ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे वाई का पावर 4। लुक एट दिस क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो यहां पर x प्लस 1 इस पूरे के ब्रैकेट के ऊपर पावर है 3, और यहां भी x माइनस 1 के ब्रैकेट के ऊपर पावर है 3। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग x प्लस 1 और x माइनस 1 को कुछ और अज्यूम कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 बी a and x minus 1 बी b। हमने x plus 1 को a assume कर लिया और x minus 1 को b assume कर लिया। तो हमारा जो original expression है उसमें मैं अब x plus 1 की जगह पे a substitute कर सकता हूं, a cube हो गया, और plus x minus 1 की जगह पे b, तो b cube। Now, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए इज व्हाट, ए इज एक्स प्लस 1 एंड बी इज एक्स माइनस 1। ये हमने पहले ब्रैकेट में ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर
सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर में ए की जगह पे मैं एक्स प्लस वन सब्स्टिट्यूट करूंगा और माइनस यहां पे ए और बी, तो ए दैट इज एक्स प्लस वन और बी की जगह पे एक्स माइनस वन एंड लास्ट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो वापस से हमने ए और बी की जगह पे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ इस ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए जीरो, प्लस वन और माइनस वन मिलके जीरो बन गया, तो बचा सिर्फ क्या एक्स प्लस एक्स टू एक्स। तो अब यहां पर सिर्फ एक सिंगल टर्म बच रहा है 2x, एक मोनोमियल है, तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर अब नहीं रखेंगे। नाउ ये x प्लस वन का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो वन होगा। नाउ ये ब्रैकेट, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, दैट इज ये चीज लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस क्या था ये, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां यहां पे वही चीज है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर माइनस वन, और साथ में बाहर इधर माइनस साइन है, तो x स्क्वायर माइनस वन का जो साइन है x स्क्वायर का साइन और माइनस वन दोनों का साइन चेंज कर जाएगा इस माइनस की वजह से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहां पे इसको भी ओपन करें देन इट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड माइनस टू एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, एक्स तो अब है नहीं कहीं, वन प्लस वन प्लस वन, तीन बार वन जुड़ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, दिस इज द आंसर। तो आज हमने इन दोनों आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस किए, इन दोनों आइडेंटिटीज पर आप भी कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा, अगले वीडियो में हम और आइडेंटिटीज करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बाय फॉर नाउ, थैंक्स।